हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स आती रहेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा का इशू है। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे फेस में वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से, जो कि उसको निकालना या ब्लैक हेड्स को निकालना या वाइट हेड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। डेली बेसिस में आपको इसको करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक्नी, जिनको एक्नी का इशू है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो ऑब्वियसली जब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड निकलेंगे उसके बाद वो रिमूव नहीं होंगे, अपने टाइम पर रिमूव नहीं होंगे या सही तरीके से नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपको एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और जिनको एक्नी इशू है उनके लिए तो मैं ये समझती हूँ कि उनको डेली बेसिस पे अपनी स्किन की उनको बहुत अच्छा क्लीन करना और केयर करना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करना कितना ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस हो गया है। अगर हम इसे स्टिक से रिमूव करते हैं तो वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है हमारे लिए। अगर हम इसको पील ऑफ मास्क यूज़ करते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सभी पील ऑफ मास्क ख़राब हैं या पील ऑफ मास्क इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ कि कुछ ऐसे पील ऑफ मास्क होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। ये आपके फेस में जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो सारे रिमूव कर देगा और आपके जो पोर्स हैं उनको क्लीन कर देगा, कि जिससे आपके पोर्स के अंदर दोबारा ये ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं आएंगे। सो सी, आप देख सकते हैं क्लीन एंड क्लियर, इसका नाम है क्लीन एंड क्लियर ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स के लिए ये होता है, ये 2 ml है और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। मैं अभी शेक करके दिखा रही हूँ आपको, सी ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। एक दिन में अगर आप यूज़ करें, आप, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें तो आप इसको नाइट में भी यूज़ करें, आप दिन में इसे 2 दफ़ा यूज़ करें। ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करते हैं जिनकी ऑयली स्किन है तो ये ऑयल फ्री भी है और इससे आपकी एक्नी भी कंट्रोल हो जाएगी। सी अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के, देखें इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपने अपने आई एरिया में बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं करना और जो आपकी लिप्स का एरिया है उधर भी अप्लाई नहीं करना। बहुत सारे लोगों को पूरे फेस पे ब्लैक हेड्स होते हैं, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ कि आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, आई एरिया पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना और लिप्स वाले एरिया पे भी बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके अलावा अगर जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसको आप अप्लाई करेंगे आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि बहुत अच्छा है। आपने इसको कॉटन बेड से अप्लाई करना है। अगर आपके नोज़ पे कर रहे हैं या इस तरह पूरे फेस पे अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉटन से इसको अप्लाई करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका और बहुत पॉजिटिव आएगा।
मैं पर्सनली इसको खुद भी यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे ब्लैकहेड्स होते हैं मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जितने भी ब्लैकहेड्स या वाइट हेड्स हैं वो अगर रिमूव होंगे तो आपकी डेफिनेटली एक्ने का इशू भी दूर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।